हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अमेरिकन लैब्राडोर एंड अ ब्रिटिश लैब्राडोर। बहुत से लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि भाई इन दोनों लैब्राडोर्स में क्या फ़र्क है। हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें अक्सर समझ नहीं आती कि विच वन इज़ एन अमेरिकन लैब्राडोर और कौन सा ब्रिटिश लैब्राडोर है। सो गाइस इस वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस अगर आप लैब्राडोर रिट्रीवर्स का ओरिजिन देखो तो हिस्ट्री में इस डॉग ब्रीड को बेसिकली न्यूफाउंडलैंड जो कि कनाडा का एक प्रोविंस है वहाँ पर ब्रीड करवाया गया था। 1940 तक सिर्फ एक ही लैब्राडोर पाया जाता था और कोई भी दूसरे किस्म का लैब्राडोर नहीं था। लेकिन उसके बाद लैब्राडोर्स की स्पेशल ब्रीडिंग कराई गई जिसके बाद लैब्राडोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। वन वॉज अमेरिकन लैब्राडोर एंड सेकेंड वॉज ब्रिटिश लैब्राडोर जिनको इंग्लिश लैब्राडोर भी कहा जाता है। सो गाइस ब्रीडिंग के बाद ये चीज़ सामने आई कि अमेरिकन लैब्राडोर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया फॉर वर्किंग नेचर। अमेरिकन लैब्राडोर्स काम बहुत ज़्यादा करते थे और मोस्टली हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। वेयर एज ब्रिटिश लैब्राडोर्स को मोस्टली शोज़ के लिए यूज़ किया जाता था और इनको शो क्वालिटी डॉग भी कहा जाता था। अगर हम बात करें इन दोनों डॉग ब्रीड्स के अपेयरेंस की तो अमेरिकन लैब्राडोर्स ब्रिटिश लैब्राडोर्स से थोड़े से लंबे होते थे और ये काफ़ी लीन भी होते थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश लैब्राडोर्स। वेयर एज ब्रिटिश लैब्राडोर्स अमेरिकन लैब्राडोर्स से काफ़ी हेल्दी होते थे और इनका हेड भी काफ़ी ब्रॉड होता था एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन लैब्राडोर्स। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च दोनों लैब्राडोर्स को ही ट्रेन करना ईजी था, वो भले अमेरिकन लैब्राडोर हो या ब्रिटिश लैब्राडोर हो, दोनों का इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी हाई था। अगर हम बात करें इन डॉग ब्रीड्स के हेल्थ की तो दोनों ही लैब्राडोर्स काफ़ी रफ एंड टफ होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि अमेरिकन लैब्राडोर्स ब्रिटिश लैब्राडोर्स से थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बिकॉज ये वर्किंग लाइन से बिलोंग करते हैं और इनसे ज़्यादा काम लिया गया था जिसकी वजह से ये डॉग ब्रीड काफ़ी स्ट्रांग हो गई। वेयर एज ब्रिटिश लैब्राडोर्स को सिर्फ डॉग शोज में यूज़ किया जाता था इसलिए इनसे काम नहीं करवाया जाता था। दिस इज़ द रीज़न ये कहा जाता है कि अमेरिकन लैब्राडोर्स आर स्ट्रॉन्गर, लेकिन ब्रिटिश लैब्राडोर्स भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इस मार्केट के अंदर मैंने जो चीज़ फील की है कि ब्रिटिश लैब्राडोर्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन लैब्राडोर्स, उसका रीज़न बहुत सिंपल है। अमेरिकन लैब्स बिल्कुल एक स्ट्रे डॉग की तरह ही लगते हैं, अगर उनको प्रॉपर डाइट ना दी जाए तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रे डॉग ही लगता है। उसका रीज़न ये है, एक तो वो लीन होते हैं, फिर उनका हेड भी ब्रॉड नहीं होता और उनकी हाइट भी टॉल होती है। वेयर एज अगर हम ब्रिटिश लैब्राडोर की बात करें तो ये काफ़ी बल्की होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, इनकी हाइट भी छोटी होती है, इनका हेड भी ब्रॉड होता है, जिसकी वजह से इनकी अपेयरेंस काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है और लोग इनको ज़्यादा डिमांड करते हैं इन द मार्केट। दिस इज़ द रीज़न इनका प्राइस भी थोड़ा सा अप डाउन होता है। अमेरिकन लैब्राडोर्स के प्राइस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश लैब्राडोर्स और मार्केट के अंदर अमेरिकन लैब्राडोर को बेचना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश लैब्राडोर। सो गाइस बात करें अगर इनके प्राइसेस की तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप ब्रिटिश लैब्राडोर परचेज़ करते हो एक नॉन पेडिग्री डॉग जो कि ए क्वालिटी का हो तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी अराउंड 35,000। वेयर एज अगर आप ब्रिटिश लैब लेते हो वो भी पेडिग्री डॉग तो उसकी प्राइस आपको पड़ेगी अराउंड 70,000 to 80,000। वेयर एज अगर आप अमेरिकन लैब्राडोर लेते हो इन पाकिस्तान वो भी ए क्वालिटी का तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 25,000 to 30,000 एंड इफ़ यू गो फॉर द पेडिग्री डॉग वो आपको पड़ेगा अराउंड 60,000 to 65,000। गाइस अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया के अंदर अगर आप अमेरिकन लैब्राडोर लेते हो तो वो आपको मिलेगा अराउंड 10,000 to 15,000। फिर एज ब्रिटिश लैब्राडोर के प्राइस विल बी अराउंड 15,000 to 18,000 और अगर आप पेडिग्री डॉग लोगे तो प्राइस हाई होते जाएंगे। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।